शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जितना उसे दूर जाने की कोशिश करता हूं, उतना मेरे पास आने की कोशिश करती। मुझे लगा था जब मैं उसे बता दूंगा मैं उसे प्यार नहीं करता तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। दिल टूटना तो दूर, उसके चेहरे पर एक शिकत तक नहीं आती। रानी की बेटी है ना, बिल्कुल अपनी मां पर गई। लेकिन तुम देखना सौम्य, परी की ये हिम्मत जल्द ही टूट जाएगी। बताइए भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो सिस्टर, अपुन को एक गुड न्यूज देनी थी। कैसी गुड न्यूज़? अपुन को जॉब लगी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आपने उस प्रॉमिस का मान रख लिया। सिस्टर, ये सब तुम्हारी वजह से। चलिए, जॉब तो मिल गई, अब आपको एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर मिल जानी चाहिए। आप भी बहुत दिनों बाद आए, कहीं बाहर गए थे क्या? हेलो सौम्या, आई एम सो सॉरी, मुझे और थोड़ी देर लगेगी। संजना, व्हाट इज दिस? तुम जानती हो मैं लंच के लिए जाना, उसके बाद पिक्चर भी देखना है। अब विल बी लेट। स्टुपिड लगते हो तो कैसे लगते हो? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? द पार्टी वुड बी रॉकिंग, बताइए ना। ईशाना, तुम्हारा और आदि भैया का ब्रेकअप क्यों हुआ? देखो ईशाना, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो मुझसे अपने सारे दुख शेयर कर सकती हो। मुझे बताओ, मैं तो सिर्फ आदित्य से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। ईशाना, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें मेरी भाभी बनकर
मेरे आदि भैया की जिंदगी में आओ। रघु काका। हाँ बेटा। आपने खाना गर्म करवा दिया? हाँ कर दिया। आपके लिए खाना लगवा दूँ? नहीं रघु काका, मैं बाद में खाऊंगी सबके साथ। बेटा आप रोज क्यों इंतजार करती हैं? और फिर नतीजा क्या निकलता है? और आप तो जानती हैं कि हाँ बहू रानी, रघु काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीनिंग सेइंग वेरी राइट। तुम क्यों भूखी बैठी रहती हो? तुम खाना खा लो, क्योंकि देखो तुम तो खामखा भूखी बैठी रहती हो, पर भैया जी वो तो भूखे नहीं रहने वाले ना, वो तो खाना खा लेंगे। और वैसे भी आज तुम्हारा भूखे रहना यूजलेस है। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि हमारे सेठ जी, सेठानी जी, भैया जी, वो सब तो वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, फैमिली गेट टुगेदर में। हाँ तुम खाना खा लो। हाँ सुबह से तैयारी में लगी हुई है। ये सारा खाना संजना ने ही बनाया है। कह रही थी आज का सारा काम मैं ही करूंगी। अरे मम्मा ये खाकर देखिए, संजना स्पेशली मेड इट फॉर यू। अच्छा तो अब तो खाकर देखना ही पड़ेगा, सौम्या इतनी तारीफ जो कर रहा है। नाइस, बहुत अच्छा है। अब जब बहू सास के लिए इतना सब कुछ करेगी तो अच्छा तो लगेगा ही ना। संजना ही मेरी असली बहू है, पराशर परिवार की बहू। पता नहीं क्यों आजकल संजना को डर सा लगा रहता है, उसे लगता है कहीं अभी भी। जबकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सौम्य के लिए संजना हमारी पहली और आखिरी पसंद है। भरोसा रखिए, संजना ही मेरे घर बहू बनकर आएगी। परी तो सिर्फ एक रास्ता है जिस पर कदम रखकर संजना गृह प्रवेश करेगी। भाई साहब अब शादी की छोटी मोटी तैयारियां आप शुरू कर दीजिए। अगर ये शादी सही प्लानिंग के साथ होगी ना तो इस शादी का मजा ही कुछ और होगा। वो तो ठीक है पराशर साहब, लेकिन अभी तो काफी वक्त है ना। हाँ
भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही इनके साथ बैठ के पूरी गेस्ट की लिस्ट तैयार कर देती हूँ। ये तो ऐसे ही है, बरसात निकल जाती है फिर छाता लेने जाते हैं। वैसे और कितना वक्त है? जो भी है झट से निकल जाएगा बस, है ना? सही कहा आपने, वक्त बीतते हैं देर नहीं लगती। Got in the crossfire. रोहित? अरे क्या बात है, आज तक तुम खाना कमरे में ले? बस यूं ही। रोहित आज खाना रूम में ही खाएं। रूम में? हाँ, रूम में। और वो भी एक ही प्लेट में। तुम मुझे खिलाओगे और मैं तुम्हें खिलाऊंगी। Not a bad idea, पर खाना नीचे सबके साथ। रोहित प्लीज, मेरे लिए। रोहित बेटा आ जाओ। रोहित आया डैड। जी डैड। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं वो मैं वैसे ही। Come on, बेटा खाना ठंडा हो रहा है। आप खा लीजिए ना, रोहित बाद में खाएगा। पर क्यों? क्यों मैं पराठे बना रही हूँ ना, अगर गरम गरम खाने हैं तो एक एक को खाना पड़ेगा। ठीक है भाई, पराठों के लिए हमें ये भी मंजूर है। रोहित बेटा, बाय द वे तुम्हारा काम कैसा चल रहा? डैड काम तो एकदम ग्रेट चल रहा है। वो क्या है कि बॉसेस मेरे काम से इतने खुश हैं, मैं आपको क्या बताऊं? दे रियली हैप्पी। वेरी गुड वेरी गुड। इनफैक्ट जो मेरा नया स्केच है ना, कंपनी उसे लेके बहुत एक्साइटेड है। डैड मेरा बॉस इतना खुश है कि Dad, I'm really expecting a big deal this time. A great deal. The hard work always pays. You're right, Dad. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्केच देखें। Sure. ये एक मिनट मेरे रूम में स्केच पढ़ा जा के रहो, please. अब बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्केच तो लेके आओ भैया, प्लीज डोंट माइंड, पर स्केच आप खुद ही ले आइए। मैं आपके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हें अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं, अब क्या पता मेरे जाने से भाभी को कब कौन सी बात बुरी लग जाए और फिर वो मुझे। रिया चुप कर, कुछ भी बोलती है अनाप शनाप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाना। अब रोहित मैं लेके आती हूँ तुम्हारा ऑडिशन। रिया क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है भैया, वो सुबह मैं बाहर जा रही थी। अरे रिया बेटा मेरा काम करोगी, जरा भाभी को बोलना चाय बनाओ। अभी मैं सोने का नाटक कर रही थी। रोहित रिया, जिस बात से घर की शांति भंग हो जाती वो कहने से क्या फायदा? क्या जरूरत थी तुम्हें रोहित से ये सब कहने की?
रोहित, ये क्या है रोहित, इतनी देर लगा दी? मुझे लगा कि तुम नीचे खाना खा कर ही आओगे। रोहित, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तुम वो खा, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाने वाले थे ना? ठीक है भाई, मैं खुद ही खा लेती हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वक्त नहीं, जब भूख लगी हो और सामने खाना रखा हो तो मुंह खुलना चाहिए सिर्फ खाने के लिए, बातें करने के लिए नहीं। खुशी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो उसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। रोहित, अचानक जिम्मेदारियों का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे? आज तुमने जैसे रिया के साथ बिहेव किया। ओ, तो बहन ने अपने भाई के कानों तक सारी बात पहुंचाई थी। तुम गलत समझ रही हो। नहीं रोहित, मैं वही समझ रही हूँ जो तुम कहना चाह रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट रोहित, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ क्या मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ? तुम जानते हो आज तक मैंने कभी किचन की शक्ल तक नहीं देखी। इस घर में, किचन में उस गर्मी में खड़ी होकर मैं खाना बनाती हूँ। घर के सारे कामों में मैंने हमेशा हाथ बटाया है मामा का। ये सब करने के बावजूद शिकायतें सुननी पड़ रही हैं मुझे। खुशी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बस रोहित, बस। आज बहुत बड़ा इनाम मिला है मुझे तुमसे। अगर तुम ही शिकायत करोगे तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ही ना। ठीक है, खुशी ही बुरी है ना। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं किसी से कुछ कह सकूं? खुशी, आप, I didn't mean to hurt you. अगर मेरी बातों से तुम्हें इतना दुख पहुंचा तो I'm really sorry. अब क्या भूखा मारोगी क्या? अगर आज तुम मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगी तो मैं भूखे सो जाऊंगा। और वैसे भी तुम्ही ने कहा था ना कि अगर सामने खाना हो और बहुत जोरों की भूख लगी हो तो मुंह खुले तो सिर्फ खाना खाने के लिए, कुछ बोलने के लिए नहीं। पापा, भैया, हमको क्या पता कहाँ गए? साहब लोग हैं, जहाँ मन करेगा चले जाएंगे। लो, आ गए। मम्मी पापा कहाँ गए थे आप लोग? डिनर पर। क्यों, क्या हुआ? भाभी अकेली थी, आप उन्हें भी साथ ले जाते? बेटा बिजनेस मीटिंग थी, मीटिंग के साथ साथ डिनर था। ऐसे में परी को कैसे लेके जा सकते हैं? भैया भी आपके साथ थे? नहीं, सौम्या हमारे साथ नहीं था। फिर भैया कहाँ गए? अब चमेली, भैया को फोन लगाओ। हाँ। हेलो भैया जी, हम चमेली बोल रहे हैं। हाँ वो, हेलो भैया, आप कहाँ हैं? मैं मीटिंग में हूँ। क्यों, क्या बात है ईशाना? नहीं, जस्ट पूछना चाहती थी आप घर कब आ रहे हैं। जल्दी आ जाऊंगा, मीटिंग खत्म होते ही आ जाऊंगा। कम सुन भैया, भाभी आपका इंतजार कर रही है। ओके, बाय भैया। चलिए भाभी।
सेठानी जी, जब उंगली से उंगली मिलने लगे तो समझ जाइए मुट्ठी बंद होने में देरी नहीं लगेगी। लगता है शाना दीदी सब कुछ छुपाना पड़ेगा वरना हो जाएगी जयराम जी की। हाँ क्या हुआ? सोच रही हूँ कि अब परी को ईशाना का सपोर्ट मिल रहा है, उसके हाथ के सहारे वो तुम्हारा हाथ थामने के सपने देख रही। इंटरेस्टिंग। निशाना कुछ नहीं जानती काम है, कुछ नहीं, वो हमारी जैसी नहीं है। हमारा प्लान, हमारे राज वो कुछ नहीं जानते। डोंट वरी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल गया तो क्या होगा सोचा तुमने? वो तो सिर्फ यही जानती है कि सौम्य और संजना का ब्रेकअप हो चुका है। फिर वो 40 दिन का राज। शी नोज नथिंग काम्या, शी नोज नथिंग। अगर उसे ये पता चल जाए कि परी यहाँ पे सिर्फ 40 दिन की मेहमान है तो क्या होगा? डोंट पैनिक अभी। अरे पैनिक कैसे नहीं करूं मैं, बोलो ना कैसे नहीं करूं। लुक, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। हमारी एक गलती एंड द गेम इज। इतना आसान नहीं है ये। इस गेम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और कोई इसमें टांग अड़ाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले अपने चमेली को कंट्रोल में रखो। मुंह से बड़ी तो जबान है उसकी, कुछ भी बोलती है वो। कहीं ऐसा ना हो काम्या कि तुम्हारे ही मोहरे तुम्हारे चाल को खोल कर रखते। और अगर ऐसा हुआ मिसेस काम्या पराशर, चेकमेट, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। Everything.